यस। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि नेक्स्ट मनी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन को आपको किसी को कॉल पे कैसे प्रेजेंट करना है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका बहुत सारा काम इजी हो गया और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं खुद लोगों को पिछले 2.25 साल से नेक्स्ट मनी का प्लान फोन में देता हूँ और इजीली लोगों को ज्वाइनिंग करवा पाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सीखना है, ये आर्ट को सीखना है, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब नेक्स्ट मनी का प्लान आता है तो सबसे पहले दो तरह से लोग आते हैं। सबसे पहला कि आप किसी के पास गए होंगे, मतलब कि आपने आपके दोस्त को, आपके कलीग को, आपके रिश्तेदार को टारगेट किया होगा। आपने बोला होगा कि नेक्स्ट मनी बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है पर आप भी कर दो। और दूसरा जो कैटेगरी होगा कि आपने लोगों को अट्रैक्ट किया होगा, आपने अपने सोशल मीडिया से, आपके पोस्ट से, प्रमोशन से, बैनर से, आपने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से लीड जनरेट किया होगा। तो दो तरह की कैटेगरी, एक होती है सामने से जाओ और दूसरी होती है कि आपके पास कोई सामने से आया। तो सेकंड कैटेगरी है जो सामने से आया, उसको कन्वे करना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि उसको सामने से इंटरेस्ट आया, दिलचस्पी आई है, उसने सामने से आपको कांटेक्ट किया है कि मुझे भी करना है, मुझे भी बताओ, मुझे भी शेयर करो। तो उसको आप जो भी बोलोगे उसका 5 मिनट लेने की कोशिश करोगे तो वो आपको 10 मिनट देगा। आप 10 मिनट लेने की कोशिश करोगे तो वो 20 मिनट देगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि यार करना चाहिए। बट जिनको सामने से आपने अप्रोच किया उनको स्टार्टिंग में इतना पता नहीं है, उनको आइडिया नहीं है, वो अभी उसका दिमाग ओपन नहीं है आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, जो बिजनेस के बारे में जानने के लिए, तो उसको कभी भी प्लान ना दो। जो पहली बार आप किसी को सामने से बता रहे हो उसको प्लान नहीं देना है, उसको आपको नेक्स्ट मनी के बारे में बताना ही नहीं है। आपको सिर्फ उसको एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है, उसको लगना चाहिए कि यार ये बंदा कुछ बात कर रहा है, ये बंदा किसी के बारे में बात कर रहा है, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, ये कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा है और मुझे भी सुनना चाहिए। वो सामने से पूछना चाहिए, सामने से बात करना चाहिए, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करना है। तो पहले कैटेगरी जो मैंने बताई कि सामने से आप किसी के पास जा रहे हो तो क्या करना है आपको, आपको सिंपली उसको बोलना है कि कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, कोरोना में मजा आ रहा है कि जॉब बिजनेस, मतलब कि उसका पहले तो हाल चाल पूछो। वो सामने से रोने लगेगा कि यार अभी तो जॉब में क्या बताओ, अभी तो टेंशन ही टेंशन है, जॉब जा सकती है, जॉब में सैलरी पूरी नहीं मिल रही है, अभी आधी आधी सैलरी मिल रही है, या कुछ भी उसका जो भी इश्यू होगा सामने से आपके साथ शेयर करने लगेगा, यार मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ये हो रहा है, वो रोने लगेगा आपके साथ। तो कभी भी आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे, बिजनेस पे मत आओ, नॉर्मली बात करो, कन्वर्जेशन करो, जैसे आप अपने दोस्त के साथ करते हो, जैसे रिलेटिव के साथ करते हो कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आजकल कहाँ पे हो, दिख नहीं रहे हो, या जॉब कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कौन सी जॉब है, क्या सैलरी है, ये सब बस हाय हेलो नॉर्मल कन्वर्जेशन के बाद धीरे धीरे टॉपिक पे आओ। और जब टॉपिक पे आओगे तो आप सिंपली उनका जो बात है, वो जो बात कर रहे उसी पे उनकी दुखती नस जो है उस पे आप पाव रखो, हाथ रखो कि हाँ यार सही बोल रहे हो, अभी तो देखो ना यार पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोरोना में कुछ और अच्छी जॉब मिले, और अभी तो जो चल रहा है उस पे हमें निकालना पड़ेगा। बट यार मेरे लाइफ में तो यार मस्त अभी मजा आ गया, पिछले 1 महीने से तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो अभी तो साइड बाय साइड वहां से 5-10 हजार रुपया कमा रहा हूँ और वहां से सैलरी का बैकअप मैंने रिसोर्स ओपन कर दिया, तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था एक दोस्त से और उसने बात कर दी, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसे ही बात कर रहा था और मैंने सडनली इंस्टाग्राम पे किंजल दवे का या फिर कुशाली चावड़ा का या फिर आरजे मित का या फिर जिसका भी वीडियो देखा हो उसका वीडियो देखा मैंने और मुझे लगा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग है, तो मैंने तो कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बोला था, पर एक एप्लीकेशन के बारे में मुझे बताया कि मैं घर बैठे सेविंग्स प्लस अर्निंग कर सकता हूँ और पैसा भी कमा सकता हूँ, तो मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया उस पर्सन के साथ कि ये क्या है, कैसे है, बताओ। तो उन्होंने बताया तो मुझे तो समझ में भी आ गया और मैंने स्टार्ट कर दिया और मेरा तो इनकम भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो मजे कर रहा हूँ और मुझे तो मजा आ रहा है, अभी तो जॉब चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और साथ साथ अगर लॉकडाउन भी आ जाए, थर्ड फेज भी आ जाए, तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मेरा बिजनेस तो और लॉकडाउन में बढ़ जाएगा और मैं काम करूंगा और मैं मेरे बिजनेस को टाइम दे पाऊंगा। तो वो तो शौक हो जाएगा, अरे यार ये कैसा बंदा, ये पागल हो गया है क्या,
जब ये सारे लोग रो रहे, सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये मंदी चल रही है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, जॉब नहीं चल रहा है, और ये खुश हो रहा है, बोल रहा है लॉकडाउन थर्ड फेज आ जाए तो भी मजा है, तो भी इश्यू नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? अरे यार मुझे भी तो बता, मुझे भी बता ये एप्लीकेशन कौन सा है, ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, ये एप्लीकेशन से फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और ये एप्लीकेशन से पैसा कैसे कमाते हैं, या फिर पूछेगा वो मेंबर बनाने वाली चीज तो नहीं है ना, वो लोगों को ज्वाइन करने वाली चीज तो नहीं है ना, आपको सिंपली बोलना है देख भाई मैं भी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कन्वे नहीं कर सकता, अभी मैं तुझे गाइड नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मैं अभी ये बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख रहा हूँ और सीखते सीखते पैसा भी कमा रहा हूँ। तो अगर तू भी चाहता है कि ये एप्लीकेशन के बारे में जाने, सीखे और आगे बढ़े और मेरे तरह पैसा भी कमाए, तो तू आज रात को 9 बजे, मतलब जिस दिन है, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो, सपोज ट्यूजडे है और आज संडे बात कर रहे हो, तो ट्यूजडे रात को 9 बजे हमारा एक बिजनेस वेबिनार है जिसमें हमारे सारे के सारे लोग वो मीटिंग कंडक्ट करेंगे और उसमें सिखाया जाएगा, तो तुम भी वो मीटिंग में आओगे तो तुम्हें सिखाया जाएगा कि कैसे करते, बट उसमें लिमिटेड सीट्स रहती है, 100 सीट्स रहती है और ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं तो वो बहुत जल्दी हाउसफुल भी हो जाता, तो अगर तुम्हें करना है तो मैं तेरा फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दूं, बट मीटिंग से 5 मिनट पहले साफ कनेक्ट कर लेना होगा वरना फिर एंट्री नहीं मिलेगा, और कंफर्म है तो ही मैं करूं। इस हिसाब से आप जूम पे इनवाइट कर सकते हो या फिर उसको बोल सकते हो कि तू अगर चाहता है कि ये बिजनेस के बारे में जाने तो मैं 7 मिनट का एक शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो तुम्हें भेज रहा हूं, वो वीडियो देखने का क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्या तुम 7 मिनट का टाइम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हो तो ही मैं भेजूं। मतलब कि आपने क्या किया कि 7 मिनट का टाइम है देखने का तो ही भेजू, वरना मैं भेजने नहीं वाला हूं, आपने उसको वहां पे बता दिया कि भाई साहब देखोगे तो ही भेजूंगा, वरना मुझे जरूरत नहीं है, मेरी गरज नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मतलब के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहते हो कि मैं वीडियो भेजू तुम्हारे साथ शेयर करूं तो ही भेजने वाला हूँ। तो बोलेगा हाँ हाँ यार 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट क्या नवरात चाहिए, अत्यार तो कोई काम नहीं, अत्यार तो मोकल दम तारा 7 मिनट सो 70 मिनट नो वीडियो जो ही ले, मतलब कि अभी 7 मिनट क्या 70 मिनट का भी वीडियो देख लेंगे, अभी तो फ्री बैठे, तो उससे क्या होगा कि उसने अग्री कर दिया आपका वीडियो देखने के लिए, फिर आप उसको बस सिंपली एक वीडियो भेज दो, परसेंटेज नहीं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो भेज दो, दैट्स ऑल। वीडियो देखने के बाद उसको आपने ऑलरेडी जब वीडियो भेजा ना, उसको आपके ग्रुप में, आपके नेक्स्ट मनी के जो भी आपका ग्रुप है वहां पे और आपके ब्रॉडकास्ट में, जिसमें आप डेली का डेली नेक्स्ट मनी का कुछ ना कुछ अचीवमेंट, किसी का इनकम कुछ ना कुछ डाल रहे हो, नेक्स्ट मनी का अचीवमेंट उस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो और सिंपली कुछ ना कुछ भेजो, ऑटोमेटिकली 1-2 दिन के बाद वो पूछ लेगा कि भाई साहब ये अब स्टार्ट कैसे करना है, वीडियो तो देख लिया अगर करवा ये कही दे, मतलब आगे करना क्या है वो बता दो, वीडियो तो देख लिया, फिर उसको बोलो कि 1770 रुपया कैसे पेमेंट करोगा, फोन पे और गूगल पे, कुछ वहां पे लंबा चौड़ा बातचीत मत करो, पूछ रहे हो आप लोगों को क्या पूछते हो, प्लान सारो लागो ने, प्लान गम्यो के नहीं, अरे वो पूछ रहे हो आपकी प्लान अच्छा लगा कि नहीं, प्लान पसंद आया कि नहीं, वो बोलेगा नहीं बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बकवास प्लान था, क्या करोगे आप, सामने से चॉइस दे रहे हो उसको दो कि अच्छा लगा कि बुरा लगा तू बता, तो ना ही बोलेगा, तो उसको चॉइस दो ही नहीं, उसको सीधा आपका फिर मैसेज होना चाहिए कि स्टार्ट कराना है आपको उसको, तो सीधा एक ही क्वेश्चन कि पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे या गूगल पे, बात खत्म। वो फिर उसका कुछ क्वेरी होगा, डाउट्स होगा, सोचना है, बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा, तो वो सामने से बोलेगा, फिर उसको टैकल करो उस हिसाब से। तो पहला जो कैटेगरी था कि हमने क्या किया, सामने से कुछ नहीं बताया, बस उसको एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया और इस हिसाब से हमने भेज दिया। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, सेकंड वाला कि जो सामने से आया, जो सामने से इंटरेस्टेड है, सामने से उसको कुछ लगा था बाहर, जो आपके लिए हैंडल करना सिंपली इजी है, एकदम इजीली आप उसे हैंडल कर सकते हो, इजीली ज्वाइन कर सकते हो, इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट कैसे, उसने आपको सामने से मैसेज किया, कॉल किया, तो कॉल किया तो उसको सिंपली बोलो कि भाई साहब अभी मेरे पास रोज का 50 से 100 लीड आ रहा है नहीं आ रहा है आपको पता है, उसको थोड़ी पता है, मेरे पास तो आ रहा है तो मैं तो 400-500 बोल रहा हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर हो, आप फ्रेशर हो, आपके पास नहीं भी आ रहा है तो भी आप बोलो कि भाई साहब मेरे पास रोज का 20-30 लीड आ रहा है और मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं कॉल पे नहीं समझा सकता, मैं एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा, आप मुझे यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो तुम्हारा नाम और सिटी,
तो मैं 7 मिनट का वीडियो भेजूंगा। क्या टाइम है आपके पास 7 मिनट का वीडियो देखने का? तो ही भेजूंगा, अगर आप देखने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना मैं भेजने नहीं वाला हूँ। तो वो क्या बोलेगा, हाँ यार भेज दो, मुझे देखना है, जानना है, समझना है आपका बिजनेस। फिर उसको 7 मिनट का वीडियो भेज दो ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, बस। फिर वो ब्रॉडकास्ट आपका उस बंदे को फॉलो अप करेगा और ऑटोमेटिकली आपके स्टेटस में भी देखेगा, हर तरह से देखेगा, तो वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होगा। ये सारे वीडियोस आपके लिए तो बनाया, यूज करो। इतने सारे इन्फ्लुएंसर को मैंने हायर किया हुआ है, खर्चा किया, किसके लिए किया? 1 महीने में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, कितना खर्च किया आपको नहीं पता, बट वो सिर्फ गौरव सावलिया के लिए, कि गौरव सावलिया के ब्रांडिंग के लिए नहीं, आपके भी बेनिफिट के लिए। आप भी उसे यूटिलाइज कर सकते हो, आप भी उस वीडियोस को, उस फोटोज को यूज करके भरपूर ज्वाइनिंग उठा सकते हो। क्योंकि जब आप किसी को बताओगे कि देखो ये किंजल दवे का वीडियो है, तो उसको ट्रस्ट आएगा। देखो ये आरजे दीपाली और आरजे सिद्ध का वीडियो, उसको ट्रस्ट आएगा। आप आरजे मित का दिखाओगे, आप हर किसी का दिखाओगे, उसको एक ट्रस्ट फैक्टर आएगा कि हाँ यार इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े लोग भी कर रहे, तो डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट इट राइट नाउ। तो ये सारा का सारा आप लकी हो, आप लोग रियल में लकी हो। मैं अभी मेरी ज्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता, बट अगर इतना सपोर्ट और इतना हेल्प मुझे मेरे अपलाइन से मिलती ना, तो आज मैं डेफिनेटली क्राउन या रॉयल क्राउन ना होता। मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सारा का सारा सेटअप मैंने खुद से किया। आप सोचिए कि आपके साथ सब कुछ है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास वीडियोस है, आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, तो आप उसका भरपूर यूटिलाइज करो, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो, उस वीडियो को प्रमोट करो, अपने स्टेटस में डालो, अपने पोस्ट में डालो, हर जगह पे डालो। क्योंकि तो उससे ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, ब्रांडिंग होगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे और बड़ा काम होगा। सिंपली करना क्या है, जैसे ही उसको 7 मिनट का वीडियो भेज दिया, आपने उसको ऐड कर दी। अब बात आती है कि कॉल पे मैं बात कैसे करता और क्या करता। मान लीजिए ये सब तो हो गया, अब फिर भी रिक्वायरमेंट है, फिर भी जरूरत है, फिर भी जरूर पड़ी कि नेक्स्ट मनी का प्लान उसको कॉल पे समझाना पड़े। पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि कॉल पे प्लान देना नहीं है, नहीं देना। कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा पर्सन हो, 7 मिनट का वीडियो नहीं देखेगा तब तक उसको प्लान नहीं दो, वो जूम मीटिंग में नहीं आएगा तब तक उसको प्लान नहीं दो। उसको वैल्यू कराओ कि आपके पास टाइम नहीं है, आप वो क्या बोलते हैं कि आप फ्री नहीं बैठे एकदम, आपके पास काम ही काम है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। जब आप लोगों को ये एटीट्यूड के साथ बात करोगे ना, तब लोगों को आपकी वैल्यू होगी। आप ऐसा सोचोगे कि यार मैं फ्री हूं, मैं तो बस वेट ही कर रहा हूँ कि सामने से कब कौन आए और ज्वाइन कर ले, तो उसको लगेगा ये इसका मतलब है, इसका गरज है, ये इसके फायदे के लिए आया, तो क्या करेगा वो आपको जरूर इग्नोर करेगा। वो सोचेगा यार मैं इसके 300 रुपए का फायदा करा दूंगा, इसलिए ये बोल रहा है 1770 से ज्वाइन करो। वो आपको वैल्यू नहीं देगा, आपकी बात को इतना गौर नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इमरजेंसी क्रिएट करनी है, आपको उसको आपके टाइम की वैल्यू करानी है कि 7 मिनट का वीडियो देखोगे उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगा और आपको इंटरेस्ट आएगा वो वीडियो देख के, फिर आप मुझे कॉल करना। बाकी मेरे पास रोज के 500 कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी को कॉल पे सामने से समझाऊं, बट फिर भी आपने वीडियो देखा, फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताओ। तो उसके बाद फिर भी उसको कुछ क्वेरी रहती है, तो फिर मेरा कन्वर्जेशन क्या रहता, सिंपली मान लीजिए मैं उनको पूछूंगा कि आपने वीडियो देखा, बोलेगा हाँ, तो वीडियो में आपको क्या पता चला, क्या समझ में आया, मतलब आपको वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा, तो वो पूछ लेगा आपको, बता देगा कि हाँ यार यहाँ पे तो पैसा अच्छे से कमा सकते, घर बैठे कमा सकते, इतना सारा बेनिफिट्स है, फीचर्स है, एडवांटेज है, तो करना चाहिए। हम वो सामने से ही आपको सारे सारे प्लस पॉइंट, एडवांटेज और नेक्स्ट मनी के जो अच्छे अच्छे फीचर्स है वो आपको सामने से बता देगा, तो आपका काम ईजी हो गया। फिर भी आपको उसको अगर कन्वे करना है, तो मैं क्या कन्वे करता हूँ वो बता दू। मैं सिंपली सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कन्वे कर देता हूँ कि देखो आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे तो यूज कर ही रहे ऑलरेडी, बट आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है कुछ, बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं मिलता है। बस तो वहां पे यार आपको स्टार्टिंग में 2-4 मिल गया था, 2-4 बार, वो भी कंडीशनल कैशबैक था, पर आज कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि एक जादुई एप्लीकेशन, एक इंडियन एप्लीकेशन जिसका नाम है नेक्स्ट मनी, ये सारी जो आपकी मार्केट की जो परेशानी थी, जो समस्या थी, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया, उसको समझा, परखा और आपके लिए लाइफ टाइम गारंटेड कैशबैक लेके आया। आपको जितनी बार रिचार्ज करोगे, आपको 3% का रिचार्ज में एवरी टाइम बेनिफिट मिलेगा, एवरी टाइम 3%,
चाहे आप 10 रुपए का रिचार्ज करो, 100 रुपए का करो, 1000 का करो कि 1 लाख का करो, अब तो 3% अगर बोला है तो 3% का बेनिफिट होगा 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 एवरी टाइम होगा। 10 का 3% 30 पैसा होगा, मिल जाएगा। 1 लाख का 3% 3000 होगा, मिल जाएगा। 500 का 600 का रिचार्ज तो कॉमन है, आप करवाते होंगे, करवाते हो कि नहीं? हाँ हाँ करवाता हूँ करवाता हूँ। तो आप 600 का रिचार्ज करोगे, सीधा आपका 18 रुपया बच जाएगा, है ना, बेहतरीन। आपके घर में 5 मोबाइल तो होंगे, हाँ है ना, 5 मोबाइल, तो 18 × 5 90 से 100 रुपया तो सिर्फ रिचार्ज में बचा लोगे आप। हाँ यार अच्छी एप्लीकेशन है, वो सामने से ही एक्साइट हो जाएगा कि हाँ यार 3% मिल रहा है, 600 में 18 मिल रहा है, 5 मोबाइल तो ऑलरेडी घर में, 100 रुपया तो सिर्फ रिचार्ज में बचा लेंगे। ऐसा डीटीएच में घर में टीवी भी तो होगा, हाँ है ना, तो वो टीवी में भी आप 3% यानी 500 का रिचार्ज करोगे, सीधा 15 रुपया बच जाएगा। हर महीने 300-400 का तो रिचार्ज करते होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। इंश्योरेंस भी तो करवाते होंगे, व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी है, हाँ बिल्कुल, कार है अपनी या बाइक है करवाते, उसमें 10% मिल जाएगा, मार्केट से ज्यादा एडवांटेज है 10% का। एक 10,000 का फोर व्हीलर का इंश्योरेंस किया, सीधा 1000 रुपया बच जाएगा। एक हेल्थ इंश्योरेंस किया, कोरोना की वजह से आज हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा लोग अवेयर हुए, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे, टर्म इंश्योरेंस करा रहे, सीधा एक 20,000 का पॉलिसी किया, 20% कैशबैक है हेल्थ टर्म में, सीधा 4,000 बच जाएगा दोस्तों, 1770 का डबल तो आपका इसमें बच जाएगा। अरे हाँ यार, फ्लाइट बुकिंग भी तो कभी कभी साल में एक आध बार ट्रैवल भी करते होंगे, तो फ्लाइट बुकिंग करते हो तो मार्केट से ज्यादा इसमें भी मिल रहा है फ्लाइट बुकिंग में, तो फ्लाइट बुकिंग में भी आप कंपेयर कर लो, कहीं से भी 300-400-500 रुपया मिनिमम बच जाता। अरे यार क्या बात कर रहे हो, हाँ अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी तो शॉपिंग कर रहे होंगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा अजीवो करते हो कि नहीं करते हो कभी सालाना में एक दो बार? हाँ हाँ बिल्कुल करते हो, रेगुलर करते, तो फिर उसमें भी आपका जो सेल चलता है, डिस्काउंट जो मिलता है आपको, 10% ऑफ मिलता है, वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा यहाँ से आपको अगर 2% तक का एक्स्ट्रा मिल जाए तो कैसा रहेगा, बढ़िया ही है यार, ये तो कर ही रहे, कुछ एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहा है बस। तो ये सारे बेनिफिट्स में अगर आपको लाइफ टाइम गारंटेड चाहिए कैशबैक, पूरी जिंदगी आपको बचत करना है, बचाना है पैसा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना है, जो 1500 + 270 रुपया जीएसटी 1770 रुपए से है, और वो 1770 रुपया आप जैसे ही पे करते हो आपको 3 बेनिफिट मिलते हैं। नंबर वन, इंस्टेंट 1550 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपए बराबर है 1550 रुपए वर्थ का आपको पॉइंट मिल जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा करके आप यूज कर सकते हैं, कोई सर्विस में 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 50% इस हिसाब से। दूसरा कि आपको लाइफ टाइम बचत होगा, पूरी जिंदगी का आप यहाँ से बचत कर लोगे, और नंबर थ्री आपको यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं दोस्तों। तो कैसा रहेगा, तो बोलेंगे पैसा कैसे कमा सकते, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे आप अगर किसी को रेफर करते, क्या आपको ये एप्लीकेशन में आपने रिचार्ज किया, बचत हुआ, कैशबैक मिला, फायदा हुआ, आप घर में आके बैठ जाओगे? नहीं नहीं, लोगों को प्रमोट करोगे कि नहीं, बात करोगे कि नहीं? हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वैसे भी करते हैं, तो ये चीज तो गलत क्या अगर पैसा मिलेगा। तो अगर आप किसी को रेफर करते हैं अपने लेवल वन यानी आपके डायरेक्ट में, अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो 1500 का 20% यानी कि 300 रुपया पर रेफरल मिलेगा। एक को ज्वाइन करोगे 300 मिलेगा, दूसरे को करोगे 300 मिलेगा, तीसरे को करोगे 300, चौथे को करोगे 300, पांचवे को, जितने भी करते जाओगे 300-300 मिलेगा। और कंपलसरी नहीं है कि 5 को करोगे तभी 1500 मिलेगा, क्योंकि उसको वीडियो में ऐसा लगता है कि 5 करोगे 1500 मिलेगा, उसको बोलना है कि 1 को लाओगे तुरंत 300 मिल जाएगा। तो ये आपने क्या किया कि उसको बोल दिया कि आप 1 को करोगे 300 मिलेगा दूसरे को, अब ये आपने किया तब तो मिलेगा है। अब उसको किसी को लाए, मतलब कि आपका लेवल वन अगर किसी को लाए तो सेकंड लेवल का 2% यानी कि 30 रुपया मिलेगा, तीसरे लेवल का 3% 45 रुपया मिलेगा, चौथे लेवल का 4% 60 रुपया मिलेगा, पांचवे का 5% 75, छठे का 6% 90, सातवे का 7% 105, आठवें लेवल का 8% 120, नौवे लेवल का 9% 135 और दसवें लेवल का 10% 150। दैट्स ऑल, मत बताओ उसको 178 करोड़, मत बताओ और कुछ की डुप्लीकेशन क्या हो रहा है कुछ, ये 10 लेवल में मिलेगा। आप जो भी यहां से इनकम करोगे इंस्टेंट आएगा, आप जैसे रेफर करोगे तुरंत वॉलेट में आएगा, वॉलेट से बैंक में विड्रॉ होगा। तो आप सोचिए जरा, आप 5 लोगों को रेफर अगर कर दिया तो 300 × 5 1500 मिल गया और आपका प्राइम सब्सक्रिप्शन फ्री, और वो बंदा पूरी जिंदगी किसी को रेफर करेगा, ज्वाइन करेगा तो भी इनकम होगा, और वो पूरी जिंदगी रिचार्ज करेगा कि नहीं आप बताओ? करेगा ना, तो पूरी जिंदगी वो रिचार्ज करेगा, शॉपिंग करेगा, इंश्योरेंस करेगा,
फिर भी आपको पैसा मिलेगा। तो है ना मजेदार सिस्टम। हाँ मजेदार है। तो बताओ आप मुझे कि आप पेमेंट कैसे करोगे, पेटीएम से करोगे, फोन पे से करोगे, गूगल पे से? उसको आपने सीधा कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, आपने अभी तक उसको क्या किया था, आपने उसका माइंडसेट हा 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 आप जो बोल रहे हो उसमें पॉजिटिव आंसर करने के लिए कर दिया था। आपने पूछा कि पेटीएम फोन पे गूगल पे में कैशबैक मिल रहा है, वो बोलेगा नहीं। आपने पूछा, जो जो पूछा आपने, उसने हर तरह से आपको आंसर किया, आप जो चाह रहे थे वो किया। अब लास्ट में जब आप पेमेंट का चाह रहे हो, आप पेमेंट का पूछ रहे हो, तो क्या मना करेगा? वो बोलेगा कि फोन पे कर दूंगा, वो बोलेगा गूगल पे कर दूंगा, वो बोलेगा पेटीएम कर दूंगा। दोस्तों उसको नहीं पता है प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे आपको इसलिए करना है क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मान लीजिए कि हमें तो पता है कंपनी जेन्युइन है, लीगल है, 4.5 साल से चल रही है, पिछले 2.25 साल से मैं खुद कर रहा हूँ और आप लोग भी काफी टाइम से कर रहे हैं। बट उसको एक डाउट रहता है कि यार ये भाग गई तो ये जेन्युइन नहीं होगी, तो वो जब आप उसको रेफरल लिंक भेजते हो या फिर साइन अप करने का बोलते हो ना, तो जब वो साइन अप में जाके जब 5 नंबर देखेगा ना, 5 नंबर डाल देगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको इनफ नॉलेज नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि पान कार्ड से कोई कुछ 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता। मेरा पान कार्ड में किसी को भी बोलता हूँ कि लो ले जाओ, पान कार्ड भी ले जाओ, मेरा जो भी ले जाना है ले जाओ, 1 रुपया निकाल के दे दो, मैं साइन करके दे दू कि आपको जो भी चाहिए मैं एग्री करके पान कार्ड दे रहा हूँ, 1 रुपया नहीं निकलता है। बट फिर भी जो लोग गाँव में होते हैं, कोई अलग जगह पे होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा पान कार्ड कहीं मिस यूज हो जाएगा, कोई निकाल लेगा, 1 रुपया नहीं निकलने वाला। बट उनको पता नहीं है तो वो डर जाते, जब 5 नंबर आता है वो नेगेटिव हो जाते, रिव्यू देख लेते। बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको कॉमन सेंस नहीं रहता कि यार ये रिव्यू 4.1 स्टार है, इतने सारे पॉजिटिव रिव्यू है, 2, 5, 10 जो कंपटीटर कंपनियां या कोई टीकाकार है उन्होंने किया है, तो फिर गलत हो सकता है। तो वो लोग क्या कर देते हैं कि वो इग्नोर कर देते, आपको बोलते हैं कि हाँ कर लेंगे, फिर इग्नोर कर देते। उससे अच्छा सीधा 1770 आपके पास ले लो, उसका साइन अप कर लो, आईडी एक्टिवेशन कर लो, केवाईसी कर लो, फिर उसको सिखाओ कि अब लॉगिन करना ऐसे करना और इस हिसाब से सिस्टम। तो सिंपली जितना कम उसको बताओगे, जितना शॉर्ट एंड स्वीट रखोगे उतना ज्यादा। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि 178 करोड़ रिपर्चेस इनकम, मर्चेंट इनकम, रॉयल्टी इनकम, फलाना ढिकाना, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसको बताया कि तुम्हारा फायदा क्या है, तुम ये एप्लीकेशन से क्या लेने वाला हो, तुम्हें ये एप्लीकेशन से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तुम्हारा कितना बेनिफिट होने वाला है, तुम्हारा कितना बचत होने वाला है, दैट्स ऑल। फिर इनकम का बता दिया थोड़ा बहुत कि तुम मस्ती मस्ती में 5 लोगों को रेफर कर दिया, तुम्हारा 1500 निकल जाएगा। अब उसको अभी तो उसका माइंडसेट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कहां तक जाना है, वो क्लियर ही नहीं है कि उसको इतना कमाना है नहीं कमाना है, और आप सीधा चले जाते हो लखपति करोड़पति। उसको पहले 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तो कमाने दो, फिर ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाए। तो इसलिए ये थोड़ा चीज समझना पड़ेगा आपको कि 5 से 10 मिनट में ही प्लान खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा कि जब मैं किसी से बात करता हूं तो एक चीज और एड ऑन कर देता हूं कि देख, वो अगर उसको डाउट मुझे लगता है कि है नेक्स्ट मनी 4.5 साल से चल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, नेक्स्ट मनी नहीं बोल रहा है, गूगल प्ले स्टोर बोल रहा है, सही बोलेगा कि गलत? वो बोलेगा सही बोलेगा। नेक्स्ट मनी में 38 लाख यूजर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मनी नहीं बोल रहा है, गूगल प्ले स्टोर बोल रहा है, सही बोलेगा कि गलत? सही बोलेगा ना, तो सामने से ही बोल रहा है कि हाँ सही बोल रहा है। फिर मैं एक चीज और बोलता हूँ, गौरव सावलिया 2.25 साल से नेक्स्ट मनी कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम बोल रहा है, सही बोलेगा कि गलत? सही बोलेगा। बस तो फिर क्या फिक्र है, मैं 2.25 साल से कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी 4.5 साल से चल रही है, तो ट्रस्ट का क्या इश्यू? कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है और इजीली चलने वाली। तो बस यही चीज है कि शॉर्ट एंड स्वीट रखो, सिंपल रखो, लोगों को अफेक्टिव लगे ऐसा रखो, ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग आएगी, भरपूर ज्वाइनिंग आएगी, और बिंदास रहो, बिंदास बिजनेस करो। बिजनेस अप डाउन होंगे, मेरा भी बिजनेस कुछ महीने के लिए प्लस माइनस हुआ हुआ, ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, बट वो उससे ओवरकम करके कैसे आगे बढ़ना वही आर्ट है। और आज इंस्टाग्राम की देन है, पिछले 1 महीने में आकाश पड़साला सर ने जो सिखाया, उनका जो आइडिया स्ट्रेटजी, एक मैंने ऐसा ईगो रखा होता कि यार 17 साल का बच्चा मुझे सिखा जाएगा, तो फिर आज मैं कहीं ना कहीं मैं भी स्ट्रगल कर रहा होता। बट जो पिछले 1 महीने में बिजनेस उठाया है, जो ज्वाइनिंग आई है, जो इंस्टाग्राम से जो भरपूर रिजल्ट मिला, अनबिलीवेबल है, माइंड ब्लोइंग है, अनएक्सपेक्टेड है। तो आपको भी ये सारा सिखाने वाला हूँ, ये सारा ऑलरेडी इंस्टाग्राम का हमने फर्स्ट बैच का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी चल रहा है, बट कंसिस्टेंट रहिएगा,
जेन्यूनली काम कीजिएगा और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कीजिएगा, ऐसा मत सोचिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आकाश सर को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अरे यार लीड अभी भी हमें क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रांड बना हुआ मेरा पेज है, 2.25 साल से नेक्स्ट मनी का वहां पे प्रमोशन है, 8 साल से 9 साल से मेरा पेज एक्टिव है। कोई भी स्क्रॉल करेगा 700 पोस्ट देखेगा, मेरा फेस वाला देखेगा, तो उसको ट्रस्ट फैक्टर आएगा। अभी आपको समझना होगा कि अभी आपको खुद को ब्रांड बनाना है, 1-2 महीना 3 महीना टाइम देना है, अपना डेली फोटो अपलोड करना है, रियल जेन्युइन प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद लोग आएंगे। अननोन लोगों से आप थोड़ी ट्रस्ट कर ले लो। अगर आपको मान लीजिए कि कल उठ के कोई पूछे, कॉल आए कि यार ज्वाइन करना है, तो क्या आप किसी से ट्रस्ट कर लोगे? आप इजीली किसी के साथ कन्वर्ट कर लोगे? क्या आप एक बार में हाँ बोल दोगे? क्या उसके साथ कनेक्ट कर जाओगे? नहीं, आप भी वेट करोगे, आप भी सोचोगे, आप भी बोलोगे कि यार सोचूंगा बताऊंगा। तो आपका जो लीड है आपसे बात कर रहा है, वो कैसे एक दिन में आपको 1770 दे दूंगा? 1 महीने पहले का प्रमोशन का भी आज ज्वाइनिंग आ रहा है। कब आ रहा है? जब मैं कंसिस्टेंट हूँ, जब मैं टिका हुआ हूँ, जब मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, जब मैं ये बिजनेस को कर रहा हूँ। अगर मैंने छोड़ दिया होता, अगर मैं ऐसा सोच रहा होता कि यार चलो ना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, छोड़ दे, नहीं करना है एफर्ट, तो नहीं आता। बट मैं टिका हूँ तभी वो 1 महीने वाला भी आ जा रहा है, 1 महीने बाद वाला भी बंदा आ जा रहा है। कब आ रहा है? जब मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब जाके आ रहा है। अगर नहीं करता तो फिर वो प्रोस्पेक्ट किसी और टीम के साथ जाता। आज ऐसे भी लोग आ रहे हैं इंस्टाग्राम से कि सर हमने 1 साल पहले साइन अप किया था किसी के साथ, 6 महीने पहले किया था, वो बंदा आज गायब हो गया, कोई और कंपनी में चला गया, वो कर रहा है नहीं कर रहा हमें पता ही नहीं है, तो आज मेरे साथ कनेक्ट कर रहे। तो किसी और का बंदा आज मेरे साथ कब आएगा? जब वो बंदा खुद रहा नहीं, वो बोलेगा कि यार उसने सिर्फ साइन अप फ्री में रेड आईडी कर दिया, बट ग्रीन करना क्या करना सिखाया ही नहीं, तो नया आईडी से करेंगे क्या करेंगे? तो आपको भी वो समझना होगा कि आपको जेन्युइनली टिक कर काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही कि आज ये कैसे प्लान देना था वो मैंने आपको सिखाया। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देख लिया, दैट मींस कि आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको ये वीडियो भी पसंद आया, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए, नॉलेज से भरपूर अपने आप को रखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा प्लान आप आज तक दे रहे थे, या कुछ नया आपको सीखने को मिला और कैसा लगा, और ये वीडियो को सारे टीममेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।